तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ड्रीम टीम्स में। इस वीडियो में मेरे भाई हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से आज के दिन का जो पहला ड्रीम इलेवन आइसोलेट टी का जो मैच होने वाला है यहाँ से IRR वर्सेस CRD के बीच में। अब देखो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज कुछ ऐसे ट्रम्प आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में मैं, जो बहुत कम लोग जो है अपनी टीम में लेके आएंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए हो सकते हैं, पेसर्स वगैरह में विकेट मिलेगी है स्पिनर्स को, सब कुछ आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो में। तो बिल्कुल जो है वीडियो को सब लोग एंड तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप इस मैच में सिंगल रुपीज़ भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो विन करवाने की जिम्मेदारी मेरी मेरे भाई, बस आपको जो है वीडियो पर सपोर्ट करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो पर लाइक नहीं किया तो फटाफट पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाइयों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, जाके आप लोग ज्वाइन कर देना। बिकॉज फाइनल टीम जो भी होती है सारे मैचेस की मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करता हूँ और काफ़ी अच्छा खासा हमारा जो है रिजल्ट आ रहा है सारे मैचेस में जो भी मैं कवर करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा खासा आप लोग जो है प्रॉफिट कमा सकते हो। लगभग 80 के आसपास हमारा विन रेट है, तो काफ़ी अच्छा खासा आप लोग जो है प्रॉफिट कमा सकते हो। सब लोग आके जो है टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, बैक टू बैक हम लोग जो है मेगा स्वीप कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे फैमिली का एक मेंबर बन सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाके मेरे भाई आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो भाइयों अब हम यहाँ से बात करते हैं मैच की। देखो टाइमिंग यहाँ से होने वाला है 9:30 बजे का, एक ना रेन के कोई चांसेस यहाँ से है नहीं। वेन्यू की बात करो, विंडोर पार्क में मैच होने वाला है। पिच रिपोर्ट यहाँ से बैलेंस सरफेस, दोनों बैट्समैन और बॉलर्स के लिए इक्वल ये जो है एडवांटेज होने वाला है पिच पर, ठीक। बाकी देखो हम पहले यहाँ से बात करते हैं यहाँ से वेन्यू रिकॉर्ड इस सीजन की। तो 4 मैचेस टोटल हुए हैं, 2 मैचेस विन किए हैं फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने और 2 चेजिंग टीम में। बात करते हैं यहाँ से CRD की टीम की। यहाँ से आपको जो है एलेक अथानजे जो है ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे, बहुत अच्छे बैट्समैन क्रीडन का, सीधा आप लोग जो है टीम में लेके कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस टूर्नामेंट का भी। T10 के 35 मैचेस में 951 रन है, लास्ट मैच में 1 ओवर बॉलिंग के प्लस 39 रन यहाँ से स्कोर किया। जर्वन रेफेल का 160 रन है यहाँ से 10 मैचेस में, 16 के एवरेज से लास्ट मैच में डक हो गया था। बाकी देखो डरन नेट यहाँ पर तीसरे पैर से लास्ट मैच में 20 मैचेस में 506 रन और सॉरी 509 रन प्लस यहाँ से 2 ओवर का बॉलिंग भी कर रहा है, तो CVC के लिए भी अच्छा चॉइस रहेगा। जेड जोसेफ 7 मैचेस में 150 रन, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है बैटिंग से। अगर यहाँ से CRD की टीम पहले बैटिंग कर जाए तो आप लोग यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, प्लस यहाँ से 1 ओवर की बॉलिंग भी इसने डाली थी लास्ट मैच में। मिकेह जोसेफ थोड़ा सा नीचे आया था लेकिन 10 मैचेस में 167 रन है टोटल, लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया था, सिर्फ 1 रन बैटिंग से स्कोर किया था। जेसन एलेक्जेंडर T10 के 10 मैचेस में 68 रन, थोड़ा नीचे आता है लेकिन बॉलिंग से हर मैच में आपको 2 ओवर की बॉलिंग निकला, लास्ट मैच में भी दो ओवर डाले लेकिन विकेट नहीं मिले। यवानी रेगिस बहुत नीचे आ रहा है बैटिंग करना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ से जैसे मार्सेलिन 11 मैचेस में 12 ओवर की बॉलिंग डाल के 4 विकेट इसने ले रखे टोटल ओवरऑल, बाकी लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग डाल के इसने जो है 1 विकेट लिया था, वो भी 12वीं बॉल पर अपने स्पेल के लास्ट बॉल में इसने विकेट लिया था। बाकी सरकवान टॉसियन की बात करूँ, लिस्ट में 4 मैचेस में 1 ओवर का बॉलिंग किया है, इसको 0 विकेट मिला है, लास्ट मैच में भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। ओसवाल्ड जॉर्ज ओवरऑल स्टैट्स तो नहीं है लेकिन लास्ट मैच इसने प्ले किया था, 1 ओवर की बॉलिंग की विकेट नहीं मिली, तो GL में ट्राई करना है इसको भी। बाकी ली लुएसी एक अच्छा बॉलर है लेकिन इसको जो है ओवर ही नहीं मिले लास्ट मैच में, सिर्फ 6 रन इसने बैटिंग से स्कोर किया। स्टार्टिंग में वो डालने आएंगे एस्ट्रोसियांट जेम मार्सेलिन और यहाँ से जेसन अलेक्जेंडर, डेथ में आएंगे डेरन नेट अलेक अथानजे और यहाँ से OG जॉर्ज। तो ये हो गया फर्स्ट टीम का प्रीव्यू। बाकी देखो एक दो प्लेयर आपको जो है बेंच में भेजे जाएंगे, लैनी को बाउचर के साथ में यहाँ से सकीन थॉमस, कोई भी खेल के स्टैट्स आपको दिख रही है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी देखो मेरे भाई सेकंड टीम के बारे में डिस्कस करने से पहले, अगर आपने हमारा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ज्वाइन कर लेना, बिकॉज फाइनल टीम जो भी होगी आपको मेरे सारे मैचेस यहीं पर मिलती है और जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो यहाँ से बात करते हैं मैच की, सेकंड टीम के बारे में बात करेंगे IRR की टीम की। डीन बर्टन लास्ट मैच में ओपनिंग किया था स्टीफन नाइथराम के साथ में, 17 रन इसने स्कोर किया था और यहाँ से नाइथराम ने 48, दोनों ही काफ़ी अच्छे पिक है आपकी टीम में होने चाहिए। बाकी तीसरे पैर से विंसेंट लेविस जिन्होंने 2 ओवर की यहाँ पर जो है बॉलिंग की थी लास्ट मैच में, चौथे पर एंडरसन बर्टन जिसने 1 ओवर की बॉलिंग की थी, बाकी यहाँ से 5वें पर नी ऑले लियो जो 7 रन स्कोर किया था बैटिंग से, बाकी ज़्यादा अच्छा स्टार्ट है नहीं ऐसे T10 में, तो ग्रैंड लीग पिक रहेगा, इस बॉलिंग में थोड़ा रिस्की रहेगा। डैनियल डुपिंगी फर्स्ट क्लास के 4 मैचेस में 89 रन है, अच्छा स्टार्ट है लेकिन फर्स्ट क्लास में था, ये T10 है थोड़ा नीचे आ रहा है तो इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ से कैन जीन लास्ट मैच है सिर्फ 1 ओवर की इसने बॉलिंग की थी लेकिन भाई
ये जो है बॉलर अच्छा है, विकेट टेकिंग बॉलर है, दो ओवर डाल जाए तो आपकी टीम में होना चाहिए। बाकी देखो लास्ट मैच में एक ही ओवर डाला, थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बिकॉज श्योर नहीं है कि दो ओवर डालेगा नहीं डालेगा, इसीलिए आप लोग जो है अभी के लिए इसको ग्रैंड लीग्स में ट्राई करना, और CBC भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। सेवियो एंसेलम 12 मैचेस में 3 रन के 30 रन स्कोर किया है, 16 ओवर की बॉलिंग डालकर 11 विकेट इसने ले रखा है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है, लास्ट मैच में सिर्फ एक ओवर की बॉलिंग डाला और यहाँ से एक विकेट ये ले गया। स्लेमेंट मार्सेलिन 12 मैचेस में 21 ओवर की बॉलिंग डालकर 5 विकेट, लास्ट मैच में ना बैटिंग किया ना बॉलिंग। जोएल दुरांड 12 मैचेस में 7 विकेट है, 20 ओवर की बॉलिंग डाल के हर मैच में आपको 2 ओवर डाल के देगा, और यहाँ से लास्ट मैच में 2 ओवर डाल के 2 विकेट भी ये लेके गया था, आपको जो है बैटिंग सेक्शन में ही मिल जाएगा। बाकी यहाँ से लास्ट असवान लोकहार्ट, लास्ट मैच में इसने जो है 1 ओवर की बॉलिंग की थी जिसमें इसको 0 विकेट मिला, तो ये भी जो है अभी के लिए ग्रैंड लीग में ही अच्छा पिक रहेगा आपके लिए। बाकी देखो स्टार्टिंग ओवर आपको डाल देगा जोएल दुरान के साथ में विल लुविस, डेथ में आएगा विल लुविस के जीन और यहाँ से एस एंसेलम, तो ये हो गया इनका जो है प्रोबेबल प्लेइंग 11 के साथ में इनका स्टैट्स। बेंच में यहाँ से आपको 2 प्लेयर दिख जाएंगे, तो उनका स्टैट्स आपको दिख रहा होगा, कोई भी खेल गया आपको जो है स्टैट्स यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो भाई लोग स्टैट्स वाला पार्ट जो है दोनों ही टीम का कंप्लीट हो चुका है, तो बात करते हैं इस मैच के डेमो टीम की, कौन सी टीम मैंने अभी के लिए क्रिएट की हुई है वो मैं आपको अभी के लिए दिखा देता हूँ। अब भाई देखो टीम जो है मैंने क्रिएट कर ली है, विकेट कीपर से मैंने पिक किया है स्टीफन नाइथराम के साथ में डीन बर्टन को, 3 मैंने यहाँ से बैट्समैन लिए हैं एलिक अथान से, मिगेज ओसेफ और यहाँ से जोएल डुरांड, 3 मैंने ऑलराउंडर लिए हैं जे अलेक्जेंडर, जे मार्सेलिन और यहाँ से वी लेविस, बाकी मैंने 3 बॉलर लिए हैं और डेरोन नेड, सी मार्सेलिन और यहाँ से के जीन, कैप्टन मेरा है अलिक अथान से जो आपको डेथ में 1 से 2 ओवर बॉलिंग डाल के देगा, प्लस आपको जो है बहुत गजब की बैटिंग करके देगा, अगर ये सिर्फ बैटिंग भी कर जाए तो अभी आपके लिए कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, बाकी बॉलिंग कर गया तो भाई अलग ही बात है फिर तो। बाकी देखो वाइस कैप्टनसी मैंने दिया है डेरोन नेड को, बिकॉज लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की थी, प्लस यहाँ से फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आया था, तो इनसे अच्छे CBC ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा इनके अलावा कोई है इस मैच में। तो इसी के साथ भाई टीम और वीडियो जो है दोनों कंप्लीट हो जाती है, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय इस वीडियो में देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो पहली बार हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। बाकी देखो इनिशियल टीम है, फाइनल टीम आपको जो है टॉस और लाइनअप के बाद कहाँ पर मिलेगी, राइट टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।